इस बीच दूसरी बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। वायुसेना का AN-32 विमान लापता, 3 घंटे से लापता है विमान। विमान के 8 क्रू मेंबर और 5 यात्री थे सवार। असम से अरुणाचल जा रहा था यह विमान। जोराहट एयरबेस से विमान ने उड़ान भरी थी। इस वक्त की अहम खबर, 3 घंटे से ये विमान लापता है। फिलहाल कोई भी जानकारी नहीं है कि आखिर ये विमान कैसे लापता हुआ। 8 क्रू मेंबर भी इस विमान में मौजूद थे। असम से अरुणाचल जा रहा था ये विमान। वहीं इस खबर पर विशेष जानकारी के साथ हमारे साथ मैनेजिंग एडिटर शीतल राजपूत जुड़ चुके हैं फोन लाइन से। शीतल जी, क्या इसके मायने निकाले जाएं, 3 घंटे से लापता है, आखिर क्या वजह रही होगी? अभी तक कोई भी जानकारी नहीं मिल पा रही है। वायुसेना के सूत्रों ने हमें बताया है कि AN-32 विमान जो था ये असम के जोरहाट से अरुणाचल प्रदेश, चीन बॉर्डर पर अरुणाचल प्रदेश में मेंचुका एडवांस लैंडिंग ग्राउंड के लिए इसने उड़ान भरी थी दोपहर 12:25 पर, और उसके बाद आखिरी संपर्क इसका 1 बजे हुआ था अथॉरिटीज के साथ ग्राउंड पर जो रहती है, लेकिन उसके बाद से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। वायुसेना के सूत्र हमें बताते हैं कि इस विमान में 8 क्रू मेंबर और 5 यात्री सवार हैं। विमान को खोजने के लिए तमाम तरह की कोशिश जो हो रही है, सारे संसाधन जो उनका इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन कोई जानकारी अभी नहीं हुई है। इससे पहले आपको बता दूं कि 3 साल पहले भी AN-32 विमान, जो कि एक मालवाहक विमान है, ट्रांसपोर्ट विमान जिसको एंटोनोव ट्रांसपोर्ट विमान कहते हैं, रूसी मेड का, ये 3 साल पहले भी लापता हुआ था। 2016 में चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर जा रहा था और इसमें इंडियन एयरफोर्स के 12 जवान, 6 क्रू मेंबर, 1 नेवल ऑफिसर, 1 सेना का जवान और एक ही परिवार के 8 सदस्य मौजूद थे। इनकी तलाश में भी काफी कोशिश की गई, पनडुब्बी लगाई गई, 13 पोत लगाए गए, लेकिन ये विमान नहीं मिल पाया, ना इसका मलबा मिला और ना यात्री। लेकिन हमें फिलहाल उम्मीद रखनी चाहिए कि ये विमान, जिसके लिए कोशिशें तमाम हो रही है, तमाम संसाधन जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि ये विमान जल्द से जल्द इसका अता पता चल जाए। और ज्यादा डिटेल्स चबाएंगे तो वायुसेना बताएगी। आपको बता दूं कि AN-32 जो है इसका पूरा नाम एंटोनोव-32 है और ये मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, हमारे आला जो मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में से एक माना जाता है। 2 इंजन का विमान है और 55 डिग्री से भी ज्यादा के तापमान में ये टेक ऑफ कर सकता है। 14,800 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम है। इसमें पायलट, को पायलट, गनर, नेविगेटर, इंजीनियर के समेत 5 क्रू मेंबर्स होते हैं। 50 के आसपास लोग सवार हो सकते हैं। मैंने खुद इस एयरक्राफ्ट में सफर किया है कई बार, जब मैं कवरेजेस पर गई हूँ। काफी स्पेशियस होता है, काफी यूजफुल और यूजफुल रहा है ये भारतीय वायुसेना के लिए, और आर्मी भी कभी कभी इस्तेमाल करती है। लेकिन फिलहाल ये चिंता का विषय बना हुआ है। चीन बॉर्डर के पास अरुणाचल में एडवांस लैंडिंग ग्राउंड के लिए रवाना हुआ था, फिलहाल गायब है, और इस पर सूचना जैसे ही मिलेगी हम अपने दर्शकों को बताएंगे। अंजलि जी, बिल्कुल शीतल जी, जैसा कि आपने बताया कि पहले भी AN-32 की बात की जाए तो लापता हो चुका है, तो एक सुरक्षा के लिहाज से बड़ी चूक किसको कही जा सकती है, और अब तक कुछ इसके बारे में कोई जानकारी भी नहीं मिल पा रही है। सुरक्षा के लिहाज से चूक तो नहीं कहेंगे, क्योंकि वो इलाका जो है अरुणाचल में चीन बॉर्डर पे, वहाँ पे काफी ज्यादा होशियारी से और काफी ज्यादा होश के साथ हमारे जो सैनिक हैं वहाँ पर ऑपरेट करते हैं, और वायुसेना हो या आर्मी हो या नेवी हो, वो कभी भी नहीं चाहते कि इस तरह की कोई लापरवाही हो, कोई भी लापरवाही कोताही सामने आए। तो मैं इसमें लापरवाही की फिलहाल बात गुंजाइश नहीं देख रही हूँ। हाँ, मौसम खराब हो सकता है, क्योंकि उस इलाके में अक्सर मौसम खराब रहता है। जिस एडवांस लैंडिंग ग्राउंड की मैं बात कर रही हूँ, अरुणाचल प्रदेश में मेंचुका एडवांस लैंडिंग ग्राउंड चीन बॉर्डर पर, वहां पर मौसम अक्सर खराब रहता है। आपने इस तरह की खबरें पहले भी सुनी होंगी। तो ऐसे में खराब मौसम के चलते ऐसा हुआ है कि संपर्क टूट गया है, क्या हुआ है, फिलहाल हमें इंतजार करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। लेकिन एज ऑफ नाउ हाँ, ये जरूर चिंता का विषय है, क्योंकि इसमें 8 क्रू मेंबर्स हैं और तमाम लोग इस पर सवार हैं, और फिलहाल इतनी ही जानकारी है। जैसे और जानकारी मिलेगी, 5 पैसेंजर्स हैं इसमें टोटल 8 क्रू मेंबर्स हैं और 5 पैसेंजर्स हैं इस एयरक्राफ्ट में। तो अब देखते हैं, शायद वैसा ना हो जैसा 2016 में हुआ, वो विमान कभी मिला ही नहीं, ना तो उसका मलबा मिला और ना ही कोई और खबर उसके बारे में मिली। लेकिन उम्मीद करते हैं कि आज शाम तक, क्योंकि तमाम संसाधन वायुसेना ने लगा दिए हैं उसकी खोजबीन के लिए, तो हमें जल्द ही इसके बारे में कोई जानकारी मिलनी चाहिए। बिल्कुल, उम्मीद यही करते हैं कि जल्द से जल्द जानकारी मिल जाए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका शुक्रिया। तो वायुसेना का AN-32 विमान लापता है, हालांकि अभी संसाधन जुड़े हुए हैं, कोई भी जानकारी मिलेगी तो हम लगातार आप तक अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल बता रहे हैं कि 3 घंटे से ये विमान लापता है।